मित्रों, जैसा कि टिकुली आर्ट के बारे में हम लोग जान रहे हैं और टिकुली आर्ट का निर्माण मैं करने जा रहा हूँ, इसके बाद इससे पहले दोस्तों पहले थोड़ा सा जान लेंगे कि टिकुली आर्ट होता क्या है, इसकी क्या हिस्ट्री है, अभी तत्काल में क्या बन रहा है, इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, इसके बारे में पहले जानेंगे दोस्तों, ताकि आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी हो जाए। मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, क्योंकि इसके निर्माण से जुड़े हुए चीज़ों को मैं ज़्यादा बताना चाहूँगा और कैसे निर्माण होता है मैं ये दिखाऊँगा, इसलिए हिस्ट्री में थोड़ा ब्रीफ में ही बताऊँगा दोस्तों। जैसे कि नाम से ही हम लोग जान रहे हैं, टिकुली कला, टिकुली मतलब बिंदी। कई वर्ष पहले यानी राजा महाराजाओं के ज़माने में बिंदी हुआ करती थी, जो हमारे देश की भारतीय महिलाएं अपने माथे पे उसको सजाने का काम करती थी, श्रृंगार का प्रतीक वो मानती हैं और श्रृंगार का प्रतीक होता भी है टिकुली। बिहारी भाषा में इसे टिकुली कहते हैं, बिंदी भी कहते हैं, कुमकुम भी कहते हैं। तो बिंदी से इसकी शुरुआत हुई, सबसे पहले छोटे छोटे आकार के बिंदी बना करती थी, ये छोटे छोटे आकार के, अभी ये तो बड़े साइज का है, उससे भी छोटे जिसे माथे पे लगाया जाता था वो आकार के बनते थे, और वो ओरिजिनल सोने से बनता था, ओरिजिनल गोल्ड, वो प्योर गोल्ड से निर्माण होता था दोस्तों। लेकिन कहते हैं ना कि प्रकृति अपने आप को बदलती है और बदलाव ही प्रकृति का नियम है, इसी नियम के तहत हमारे कला में भी बदलाव होता रहा। कई दशक बीतते गए, इस कलाकृति में कई सारे बदलाव हुए, इन्होंने कई बदलाव को देखा और झेला है। पहले ये बिंदी के रूप में इस्तेमाल होता था, फिर इसको दीवारों पे सजावट के रूप में इस्तेमाल होने लगा, फिर ये कलाकृति जो है ये यूजेबल चीज़ें में इस्तेमाल होने लगा, फिर डेकोरेटिव पीस में इसका इस्तेमाल होने लगा। दोस्तों, बदलाव होता रहा लेकिन नाम वही रहा। ये अभी हार्डबोर्ड के ऊपर जैसा कि आप देख रहे होंगे, हार्डबोर्ड होता है, इसके ऊपर हम लोग एनामल जो पेंट होता है, ये जो दरवाजे पे खिड़कियों पे हम लोग करते हैं, और ये प्योर वाटरप्रूफ होता है दोस्तों, ये एनामल पेंट से बनाया जाता है हार्डबोर्ड के ऊपर, छोटे पीसेज, बड़े पीसेज, जैसा कि आप देख रहे होंगे बड़े बड़े पीसेज भी बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कलाकृतियाँ भी बनती हैं। आपके साथ इन 4 दिनों में मैं एक कलाकृति का निर्माण करूंगा, आप उसे एक एक लाइन बनते हुए देख सकते हैं कि कैसे इसका निर्माण होता है, काफ़ी बारीक, इन बारीक पतले पतले ब्रशों से इसका निर्माण होता है दोस्तों, 000 ब्रश, 0 नंबर ब्रश का इस्तेमाल इसमें होता है। कलर में हम लोग प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर को यूज करते हैं, प्राइमरी कलर में रेड, ब्लू, येलो यानी लाल, पीला और नीला रंग का प्रयोग करते हैं, और सेकेंडरी में ग्रीन यानी हरा रंग और
नारंगी रंग का इस्तेमाल करते हैं, वॉयलेट यानी बैंगनी कलर का इस्तेमाल बहुत ही कम मात्रा में होता है या ना के बराबर ही होता है। उसके अलावा उजला यानी वाइट कलर और ब्लैक कलर का इस्तेमाल इसमें होता है। ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ और हीट प्रूफ होता है, यानी धूप में इसका कलर जाता नहीं है और गीले कपड़े से भी इसको आराम से गंदे होने पे पोंछ सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे इसकी इतिहास के बारे में। ये छोटी छोटी कलाकृतियाँ बिंदी के रूप में इस्तेमाल होती थी और इसको लोग माथे पे सजाते थे, वो ग्लास के ऊपर यानी शीशे के ऊपर, ओरिजिनल गोल्ड से होता था दोस्तों। ओरिजिनल गोल्ड का जो परत है शीशे के ऊपर चढ़ाकर और उसके ऊपर नक्काशी होती थी। इसमें पटना सिटी के कई इलाकों में कई सारे कारीगर मिलकर इसको पूरा करते थे और उस समय रानियां लोग जो संपन्न घर के लोग थे उसको वो धारण करती थी माथे के ऊपर सिंगार के रूप में। क्योंकि समय के साथ साथ बदलाव होता गया इसलिए इसमें भी बदलाव हुए, सोना महंगा हो गया, सोने का इस्तेमाल न होकर पारंपरिक रंगों का इस्तेमाल शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे इसमें बदलाव होता रहा। ये ग्लास के ऊपर पारंपरिक रंगों के द्वारा डिज़ाइन में भी बदलाव होते रहे। पहले कुछ अलंकारिक डिज़ाइन, डेकोरेटिव डिज़ाइन होते थे, फिर उसमें आदमी के चित्र, पशु के चित्र भी कई कलाकारों ने बनाना शुरू किया। धीरे धीरे इसको पसंद किया जाने लगा और इसमें बदलाव होता रहा और लोग पसंद करते रहे। इससे जुड़े हुए कई कलाकारों की रोजी रोटी इससे चलती थी। फिर धीरे धीरे ये एकदम मरणासन के कगार पर पहुंचने लगी। तब हमारे उपेंद्र महारथी जी जो थे वो इस कलाकृति में थोड़ा बदलाव वो भी किए। उन्होंने वो शीशे के ऊपर जो कलाकृति थी उसको थोड़ा हटाकर ये हार्डबोर्ड के ऊपर उन्होंने उस डिज़ाइन को बनाना शुरू किया और जो काफ़ी पसंद किया जाने लगा। इसलिए अब ये हार्डबोर्ड के ऊपर एनामल पेंट के द्वारा बनाया जाता है। नाम वही रह गया दोस्तों, लेकिन कलाकृति धीरे 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 दशकों समय के अनुसार चेंज होते रहे, लेकिन इसकी प्रकृति वही है, इसकी सुंदरता वही है जो पहले थी। तो इसको बनते हुए देखने के लिए बने रहे मेरे साथ लगातार, कहीं जाइएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा भी छूट गया इसकी बारीकियों के बारे में आप जान नहीं पाएंगे। तो इसमें ज़रूर बने रहें मेरे साथ। तो आगे मैं इसका कैसे हम बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करते हैं, कैसे इसके ऊपर हम लोग जो प्लेट होता है यानी ये जो बोर्ड होता है इसके ऊपर कैसे हम ये आकृति जो है ड्रॉ करते हैं, ये बोर्ड का कैसे निर्माण होता है, सब कुछ करते हुए देखेंगे दोस्तों। तो मेरे साथ बने रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। मैं अगले दिन आगे का प्रोसेस लेकर, यानी इसको ड्रॉ कैसे करते हैं इसके डिज़ाइन को और उस डिज़ाइन को इस बोर्ड के ऊपर कैसे ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के बाद कौन सा कलर पहले करेंगे और कौन सा कलर बाद में करेंगे, उसके बाद उसको कैसे डेकोरेट करेंगे, ये सब इन चार दिनों में हम लोग करेंगे दोस्तों। धन्यवाद, शुक्रिया।